अब यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे से मेरी पतंग रही जो आपको मल्टी कलर वाली दिख रही होगी, ऊपर से अपोनेंट आ रखा है। अब ना काफ़ी ज़्यादा हाथ की तरफ ये लेके चला आया तो डोर काफ़ी जल्दी मिलेगी। यहाँ पे हमने और खाली कराया उसका, यहाँ बचाई उसने, फिर रोकी, फिर खेल दी अंदर की और वो काटी, पहली पतंग काट दी यहाँ पे। अब यहाँ पे कहा है ना, किसी ने सही कहा है कि अगर पतंग चलाना ना आए तो नहीं चलानी चाहिए। हमने इतनी पतंग चलाई कि अपोनेंट ने ऐसा गद्दा रखा कि हमें पतंग खींचने तक का मौका नहीं मिला और ये वाला पेज हमारा कट गया। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइटलर ऑफिशियल। आज की वीडियो को हम ज़्यादा पतंगें तो नहीं लेकर आएंगे क्योंकि पतंगें हमारी खत्म हो ही हैं। जल्दी से हमें जाना है काइट शॉप पे और फिर से रंग बिरंगी पतंगें लेकर आएंगे, आपको दिखाएंगे। तो अभी 5-6 ही पतंगें हैं जो आज हम उड़ाएंगे, दिखाएंगे आपको। 2-3 और रखी नीचे, वो भी ले आएंगे। और मांझा हम ये वाला यूज करेंगे, ये था आर्य भूरा का, ख़त्म हो गया मांझा पूरा, सिर्फ 2-3 पेज का बचा है। और ज़्यादातर जो मांझा ये सिर्फ मैंने मैदान में यूज करा है। तो आज इस पतंग के मैंने कन्ने बांध के रखे, हवा काफ़ी तेज़ चल रही है आज, तो छोटे कन्ने बांधे। और देखो हाथों में आप ऐसे टेपिंग कर लिया करो जब भी हाथ आपके कटा करें, क्योंकि हवा तेज है तो हाथ यार कट ही जाएंगे। तो जल्दी से पतंग पार करते हैं यार, दिखाते हैं लड़ा के। अब जैसी पतंग मेरी पार होगी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हवा की भाई क्या ही स्पीड है आज, बहुत खतरनाक हवा है। तभी कन्ने छोटे बांधे मैंने, लेकिन छोटे करने में एक दिक्कत होती है, पतंग थोड़ी सी आपको लंबी करनी पड़ेगी तो ही हवा मांगेगी, वरना पतंग आपकी ऐसी घूमती रहेगी जैसे अभी मेरे साथ हो रहा है। थोड़ी पतंग टाइट भी है, करने छोटे हो गए इसलिए थोड़ी सी दिक्कत दे रही है पतंग ही। बस एक बार हवा में पहुंच जाए, हवा लग जाए पतंग को, अब बस अब हो गया अपना काम। अबे यार फिर गई, पार ही होना नहीं चाह रही है वाली पतंग तो। चलो जल्दी से पार करते हैं, डायरेक्ट हवा में पहुंचा के आपको दिखाते हैं। अब छोटे करने में ये दिक्कत है, अगर आप बिगनर हो ना तो थोड़े छोटे करने वाली पतंग मत उड़ाना, आप अवॉइड करना उड़ाने की। अगर चाहो तो उड़ा भी सकते हो लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उसे पार करना। फिलहाल हमने पतंग पार कर ली है, अब हवा भी अच्छी खासी लग रही है। तो हमारा अपोनेंट जो है वो राइट हैंड साइड से पतंग उसकी पार है, ये देखो मैंने दिखाता हूँ, वो देखो आपको दिख जाएगी जो आपको गिलहरा वाली पतंग दिख रही होगी, ये हमारे अपोनेंट की रही। तो अपनी पतंग अभी उसी के पास लेके चलते और पहला पेज आपको काट के दिखाते हैं कौन काटेगा। तो पहला पेज नीचे से हमारी पतंग रेड सर्कल के अंदर, ऊपर से हमारा अपोनेंट आ रखा है ब्लू सर्कल के अंदर, आपको उसकी पतंग दिख जाएगी। अच्छा ये बंदा हमारी राइट हैंड साइड से लड़ा रहा है लेकिन हवा जो है ना वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दब रही है, तो वो काफ़ी आसानी से जगह बना लेगा हमारे ऊपर। तो यही फ़ायदा होता है हवा का, जिस तरफ भी हवा चलेगी उसके दूसरी तरफ वाले बंदा जो भी उड़ा रहा होगा ना उसे बहुत फ़ायदा रहेगा पतंग लड़ाने में। फिलहाल पतंग हम हवा में लेके आए, फिर बचाई उसने रखी है, हमने अंदर खींच के झटके मारे हैं, वो भी रुक दे रहा है और कट गई। अब क्या पतंग यार, अच्छा पेड़ लड़ा दिया अपोनेंट ने भी, हमने अंदर के झटके मारे थे लेकिन उन्होंने रुक दे दिया और पतंग कट गई, पहली पतंग कट गई। तो यहाँ पे हमने दूसरी पतंग अपनी पार कर ली है, रेड सर्कल में मेरी पतंग रही, पट्टीदार आपको दिख जाएगी, ऊपर से हमारा अपोनेंट रखा है ब्लू सर्कल के अंदर, सेम बंदा है राइट हैंड साइड आ रहा है, एक पतंग काट रखी है उसने। देखो फिर से जगह ली उसने, फिर रखा, फिर बजाई मैंने, मारा पट मारा है, डोर नहीं मिली यहाँ पे। एक तो पतंग बहुत छोटी लड़ा रहा है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे लड़ाने में, क्योंकि कैमरे में भी आनी है पतंग और पेज भी लड़ाना है, तो दोनों चीज़ मुझे देखनी पड़ती है। फिर रखी उसने अंदर की मैंने, अरे यार ये क्या हुआ, मैंने झटके मारने के लिए हाथ बढ़ाया था लेकिन उससे पहले डोर टच हो गई और हमारा अपोनेंट भी घुस गया, पतंग तो उसने काट दी लेकिन उसकी पतंग भी घुस गई। अब आज ना दिन नहीं है, दो पतंग हमारी कट गई है और अपोनेंट ने जो ये वाली पतंग काटी थी वो तो अपोनेंट की पतंग नीचे घुस गई थी जमीने, तो हम दूसरी पतंग अपनी पार कर रहे हैं। और मांझा ये भी मैंने लपेटा नहीं, ऐसी छत में ही पड़ा है, तो डायरेक्ट हम ऐसी पार कर दे रहे हैं। अब देखते हैं भाई इस वाली पतंग से कौन काटेगा, फिलहाल ये वाली पतंग मैं ही लड़ाऊंगा, मेरा दोस्त है वही लड़ाएगा, क्योंकि जब अपन का हाथ ना चले ना, आप लोग का हाथ ना चले, किसी का भी हाथ ना चले, तो दूसरे बंदे को दे दिया करो पतंग लड़ाने को। तो हमारा हाथ तो चल नहीं रहा है, तो ये वाली पतंग मेरा दोस्त लड़ाएगा, फिर देखते हैं वो काटता है या फिर उसका भी दिन ख़राब जाता है। पतंग बहुत ज़्यादा हल्की है, ये पतंग बहुत ही ज़्यादा हल्की है, लेकिन तब भी देखते हैं काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी। डायरेक्ट पेज में पहुँचाते हैं और जैसी कोई पतंग पार होती है आप लड़ा के दिखाते हैं। अब यहाँ पे आ गया पहला पेज, रेड सर्कल के अंदर हमारी पतंग नहीं, क्योंकि भाई मेरी छत से ही तो उड़ रही तो हमारी तो ही पतंग है, और ब्लू सर्कल अंदर हमारे अपोनेंट के लिए राइट हैंड साइड से, कैमरा मैंने अपने हाथ में पकड़ा है, पेज मेरा दोस्त लड़ा रहा है, तो देखते हैं भाई कौन काटेगा वाला पेज। देखो फिर से कितनी ज़्यादा जगह बना ली उसने,
लेकिन एक फ़ायदा होता है, अगर कैमरा कोई और पकड़े ना, अब जो है वो अपने मनपसंद पेड़ उड़ाएगा। अब मुझे क्या है, कैमरे के फ्रेम के अंदर ही पतंग लानी है, उससे ज़्यादा बाहर गई तो पेज कवर नहीं होगा, अंदर रखते हैं तो पेज नहीं बन पाता हमारा, हमारी पतंग खड़ी जाती है, दिक्कत बहुत है। ये खींची फिर अंदर घींच दी, काट दी। देखो ये फ़ायदा होता है आपका अगर कैमरा कोई और पकड़ता है। अब इतनी ज़्यादा आसमान में पेज चले गया था ना, अगर मैं ये ट्राईपॉड में लगा के बना रहा होता वीडियो तो ये पेज कवर नहीं हो पाता। तो पहली पतंग हमने काट दी आज की वीडियो की, और काटते दिखाते हैं। सामने आपको दोनों चीज़ दिख जाएगी, जो बंदा पेड़ उड़ा रहा है वो भी दिख रहा होगा, सामने पतंग भी दिख रही है, राइट सर्किल से मेरी रही, नीचे से ऊपर से हमारा अपोनेंट आ रखा है। एक पतंग काट रखी है इस वाली पतंग से, थोड़ा सा और जूम करता हूँ मैं, अब हवा थोड़ी सी सीधी आई है तो फ़ायदा हुआ हमें भी, वरना अभी तक हवा बहुत ज़्यादा दब रही थी हमारे हाथ में। फिर देखो अपोनेंट जाके बना के आ रहा है, रखा, हमने वेट करा, गद्दा मारा। अब देखो यार क्या पेज काटा, ये वाला पेज बहुत बढ़िया लड़ाता है ये बंदा, इतना बढ़िया पेज काटा, एकदम वेट करा, आने दिया और एंड में पट मार के एक और पतंग काट दी, ये पतंग गई, और भाई क्या ही पेज काटा, मज़ा आ गया पेज आपको। अब जो ये वाला पेज है ना, इस लड़ाने के लिए बहुत सबर चाहिए यार। देखो अपोनेंट ने पूरा गद्दा मार दिया, यहाँ पे हम अपनी पतंग रोके और एंड टाइम में जो हमने पट मारा है, दो यहाँ पे टच हुई और अपोनेंट की पतंग वो देखो वो कट गई, तो भाई सवर का पेज होता है ये वाला बहुत। अभी तक दिन हमारा ख़राब जा रहा था, दो पतंगें कट गई थी, लेकिन फाइनली अब हमने वापसी कर लिए, दो पतंग हमने काट रखी है, एक और पेज आ गया, राइट सर्किल में मेरी पतंग नीचे से ऊपर से अपोनेंट, ब्लू सर्किल के अंदर उसकी पतंग, राइट हैंड साइड से ये ज़्यादा बंदे राइट हैंड साइड से लड़ा रहे हैं, जितने भी लड़ा रहे हैं आज। थोड़ा सा हवा में पेज लड़ाई रखा उसने, गद्दा रखा, फिर वेट करा हमने, फिर मारा आप, फिर पट मारा इसने, भाई अभी डोर नहीं मिल पाई। देखो निकल गया पेज निकल गया, थोड़ी सी पतंग अगर हमारी लंबी होती तो काट देते, दोबारा पेज फिर रहा है रखा। अरे यार अब की बार अच्छा पेज काट दिया, तो अब क्या हमने अंदर की दिखाई थी, लेकिन अपोनेंट पूरी तरीके से तैयार था इस वाले पेज के लिए, उसने गद्दा रखा, हमने अंदर की दिखाई, उसने वहीं भर रहा फेंका, डोर फेंकी और हमारी पतंग स्लिप होकर चले गई। तो यार अपोनेंट तैयार था, अच्छा पेज काटा अपोनेंट ने, फिलहाल अपोनेंट की पतंग भी टूट गई। देखो अब यहाँ पे मेरा पेज आ गया, मैंने अपनी दूसरी पतंग पार कर ली, अब यहाँ पे सबर नहीं हुआ मुझसे। पतंगबाजी खेल ही ऐसा कि अगर दूसरा बंदा कोई लड़ाता है, आप देखते हो ना, तो आपको ही मन करता है लड़ाने का। तो यहाँ पे देखो राइट सर्किल मेरी पतंग नीचे से ऊपर से अपोनेंट आ रखा है, ब्लू सर्किल अंदर राइट हैंड साइड से लड़ रहा है बंदा। देखते हैं भाई आज की वीडियो की पहली पतंग हम काट पाते हैं कि नहीं काट पाते। जगह बना रहा है मारने की, गए पतंग चलाई हमने, काफ़ी चला दी है उसने गद्दा रखा और हमारे हाथ में सिरा, इतनी ज़्यादा भी कौन पतंग चलाता है यार। तो जब दिन नहीं होता भाई कुछ सही नहीं होता है। तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे थे एक तो पतंग हम काट लें आज की वीडियो की, लेकिन यार तीन पतंग हमारी कट गई, जो दो पतंग काटी थी वो मेरे दोस्त ने काटी थी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, दिन तो हमारा ख़राब था, थोड़ी बहुत भी पसंद आई वीडियो को लाइक वाइक कर देना, शेयर कर देना पतंग दोस्त में। तो कल देखते भाई कल क्या होता है, कल कौन काटेगा, हमारा अपोनेंट हमारी पतंग काटेगा, हम उसकी पतंग काटेंगे, देखते रहना वीडियो को।